कंपनी जो पैसा देती है वो अकॉर्डिंग टू FCR देती है, फीड कन्वर्जेशन रेशो। आपका बस पालने का खर्चा है और सब फीड का और बर्ड का सब उनका ही है। हाँ, और दूसरी बात यह है कि ये काम भी ऐसा है कि ये बंद होने वाला काम नहीं है। हमारा पहले 3000 बच्चों से स्टार्ट किया था, हमने लगभग 12000 का हो चुका है पोल्ट्री। जय जवान जय किसान दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सल्यूट टू फार्म पर। दोस्तों आज हम आप पहुंचे हैं जिला मुजफ्फरनगर में, गांव पड़ता है कुतुबपुर। यहां पर हरप्रीत जी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पोल्ट्री फार्मिंग के फायदे क्या क्या है और A to Z पूरी जानकारी। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने इस फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार भाई साहब, मैं हरप्रीत सिंह, गांव हमारा कुतुबपुर है और यहां पे हम पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं लगभग 3 साल से। आपको पोल्ट्री फार्म करने का विचार कहां से आया? पोल्ट्री फार्म भाई साहब, इससे पहले हमने पिगरी का काम शुरू किया था। हमने लगभग 7-8 साल पिगरी का काम किया। उसके बाद में थोड़ी सी दिक्कतें आई हमें मार्केटिंग की, और भी चीजें हैं जो पिगरी में हमारे यहाँ सक्सेसफुल नहीं होती है। उसके बाद बाकी अदर एरिया में हो जाता है, सक्सेसफुल होते हैं बिजनेस। बाकी हमारे एरिया में कुछ दिक्कतें हैं इसको लेके। उसके बाद में मैंने पोल्ट्री करना चाहा, लोगों का देखा मैंने, फिर हमने इमिग्रेशन से ही करना चाहा। भाई अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। उसके बाद में हमने फार्म बड़ा कर दिया, पहले हमने छोटा ही फार्म बनाया था। तो जब आपने इस फार्म की शुरुआत करी थी तो उससे पहले कहीं पे किसी से ट्रेनिंग वगैरह ली थी इस काम की? नहीं, ट्रेनिंग तो नहीं ली। बाकी हमने देखे, विजिट किया हमने काफी फार्मों पे, ट्रेनिंग नहीं ली हमने। सबसे पहले आपने कितने बर्ड से और कितने बड़े शेल्टर से शुरुआत करी थी? हमारा पहले 3000 बच्चों से स्टार्ट किया था हमने। हाँ। और उसके बाद में हमारा अब लगभग 12000 का हो चुका है पोल्ट्री। आपका ये जो शेड बनाने का खर्चा आया था, ये तो आपने अपनी जेब से करा होगा। हाँ। तो इसे बनाने में कितना खर्चा आया था? लगभग जैसे मान के चले हम 5 या 6 हजार बच्चों पे, लगभग 10 लाख रुपया खर्चा आता है। तो आपने ये सब अपने घर से करा था या कुछ लोन वगैरह भी लिया था? नहीं नहीं, हमने तो पहले 3000 बच्चों से शुरू किया था और ये हमने खुद ही किया था अपने पास से। इस पर लोन वगैरह हमने नहीं लिया। इस काम के लिए कोई लाइसेंस वगैरह की भी जरूरत पड़ती है? नहीं, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। ये तो नॉर्मल एग्रीकल्चर में आता है। यदि किसी को मतलब गाँव के पास हो या कहीं किसी को आपत्ति हो तो बात अलग है, नहीं तो नॉर्मल हमने अपने खेत में बनाया और हमें कोई लाइसेंस भी। जैसा कि हम देख रहे हैं आपके यहाँ पे 2 शेड हैं, एक शेड यहाँ पे, एक शेड इसके साइड में। तो कितना एरिया है इनका? भाई साहब ये जो है लगभग 270x30 का है इसका एरिया, और दूसरा भी ऐसे ही है 270x30 का। ये आपके यहाँ पे कितने बर्ड है? ये हमारे इस टाइम पे 5200 बर्ड है। अच्छा। हाँ, और ये कितने दिन का बर्ड है? ये बर्ड हमारा 14 दिन का हो गया। 14 दिन का। आप ये चूजा कहाँ से लाए थे और कितने रुपए का लाए थे? भाई साहब जैसे मैंने बताया इमिग्रेशन से, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ये कंपनी है सुगना। तो सुगना के थ्रू हम फार्मिंग करते हैं। शुरू में भी हमने इससे स्टार्ट किया और अभी भी इससे ही कर रहे हैं हम। एक रिस्क जो होता है ना, वो मतलब कंपनी जेल लेती है उसे। अच्छा। सबसे अच्छी बात ये है, कंपनी ही अपना चूजा देती है, कंपनी ही अपना फीड देती है और कंपनी ही ले जाती है। अच्छा। तो मतलब आपका बस पालने का खर्चा है और सब फीड का और बर्ड का सब उनका ही है। हाँ। तो इससे आपने कॉन्टेक्ट कैसे करा कंपनी से? हमारे यहाँ पे कुछ फार्म थे पहले से। हाँ। जो चल रहे थे उनके थ्रू हमने कॉन्टेक्ट किया। हाँ।
उसके बाद में हमने कांटेक्ट होने के बाद में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोगों का फिर हमने खुद कांटेक्ट कराया, कम से कम क्षेत्र में 10-12 फार्म हमने ही अपने पब्लिक गारंटी पे खुलवाए। पहले कोई गारंटी लेता है एक फार्मर, उसके बाद में दूसरे फार्मर को कंपनी बच्चा देती, मतलब आपके फार्म को देख के लोग जागरूक हुए और लोगों ने इस काम की शुरुआत करी। तो सबसे पहले जब आप अपने इस फार्म में बर्ड लाते हैं तो फिर सबसे पहले क्या क्या प्रकोशन लेते हैं, क्या क्या करते हैं, जैसे ब्रोडिंग वगैरह होती है, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। सबसे पहले तो हम बैक्टीरिया के लिए कोई भी बैक्टीरिया जीव कीटाणुनाशक इस तरह स्प्रे करते हैं बैक्टीरिया की, और उसके बाद में ब्रूडिंग तो नॉर्मल सब करते ही हैं। तो पहले अब सर्दियां आ चुकी हैं, गर्मियों में थोड़ा आसान रहता है, सर्दियों में थोड़ा मुश्किल हो जाता है ब्रूडिंग करना। वैसे सर्दियों में क्या मुश्किल होता है, बस ये बुखारी वगैरह होती है, जो टेम्परेचर देने का खर्चा बढ़ जाता है वो कुछ नहीं है, बाकी आदमी करता करता सीख जाता है, कोई ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत नहीं है। कितना टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है? लगभग 85-90 फ़ारेनहाइट के हिसाब से, तो उसमें नॉर्मल टेम्परेचर रखना चाहिए, ज्यादा अच्छा होता है। ये बर्ड आपके इस फार्म पर सबसे पहले कितने दिन तक रहता है? 0 डे का बर्ड आता है, पहले दिन अंडे में से निकलते ही चूजा फार्म पे आ जाता है, और उसके बाद में लगभग मैक्सिमम रहते हैं 40-42 दिन, वैसे कंपनी उठाना शुरू कर देती है 33-34 दिन से, 35 दिन से, उसके बाद में 40-42 दिन तक भी किसी किसी फार्म पर बर्ड जैसा ऑर्डर होता है कंपनी के पास में उठाते रहते हैं कंपनी मालक का। पर बर्ड फीड का क्या खर्चा होता है? खर्चा तो सारा कंपनी का ही है, बाकी उसमें कंपनी जो पैसा देती है वो अकॉर्डिंग टू FCR देती है, फीड कन्वर्जेशन रेशो, कितना फीड खा लिया बच्चे ने उसके बाद में कितना वेट गेन किया। आपको पर बर्ड कितना प्रॉफिट हो जाता है? पर बर्ड नॉर्मल अगर देख के चले तो एक आम बात बताता हूँ तो वो लगभग 8 रुपए से लेकर 12-13 रुपए तक होता है, बाकी अगर आपकी तैयारी बहुत एक्सीलेंट है तो उसमें 14-15 रुपए 16 रुपए तक भी कॉस्ट पर केजी आ जाता है। पर बर्ड मतलब आप 2 किलो का बर्ड है तो आप इसे डबल कर सकते हैं, 30 रुपए तक भी एक बर्ड पे प्रॉफिट आ जाता है। एक तो नॉर्मल आदमी इस काम को करता है और आप कह रहे हैं आपने को आपका कंपनी से टाई अप है, तो उसका थोड़ा सा एडवांटेज बताइए। कंपनी का एडवांटेज यही है कि मार्केट लगभग आपसे 3-4 महीने पहले 5 महीने पहले लगभग 8 महीनों तक मार्केट जो रही है बहुत टॉप रही है, बहुत डाउन रही है, उसमें आम आदमी के बस की बात नहीं है कि वो अपना बच्चा पाल के उसमें प्रॉफिट कमा सके। पीछे सावन का मौसम था, हाँ मान के चलिए मंडी जा रही है आपकी 70 रुपए और 70 रुपए का बच्चे ने फीड ही खा रखा है ना, तो उसमें किसान क्या कमाएगा, कुछ नहीं कमा सकता उसमें, तो कंपनी उस चीज को लेके, कंपनी का तो दाना भी अपना है, कंपनी का चूहा भी अपना है, तो कंपनी का तो सारा चीज अपनी है, तो इसलिए उन्हें फिर भी प्रॉफिट आए या ना आए तो किसान को फिर भी पैसा मिलता है, जितना प्रॉफिट बना हुआ है उतना मिलेगा ही, बस थोड़ा ऊपर नीचे फ्लेक्चुअल होता है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई सा ही मौसम हो, कोई सा ही महीना हो, कोई भी रेट चल रहा हो मंडी का, बाकी आम आदमी तो उसमें नहीं कर सकता है ना, या तो अपना फार्म नॉर्मल फार्मर खाली रखेगा या लॉस उठाएगा। अब मंडी चल रही है मान के चलो 100 या 100 प्लस चल रही है तो उसमें तो प्रॉफिट आएगा, या 90 भी चल रही है तो भी प्रॉफिट आएगा, लेकिन मार्केट चली गई 70 या 70 से नीचे आ गई तो उसमें नुकसान जाना लाजमी है। जैसे हमारे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं वो आपसे जागरूक होके इस काम को करना चाहें, तो आप उन्हें लास्ट मैसेज या एक सलाह क्या देना चाहेंगे? सलाह तो मैं यही देना चाहूंगा, कोई इसमें नुकसान तो है नहीं, कर सकते हैं जो भी लोग करना चाहता है, हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और हमारे क्षेत्र में तो बहुत अच्छा काम कर रही है ये कंपनी शुभना, कंपनियां बहुत सारी हैं ऐसा नहीं है, और दूसरी बात यह है कि ये काम भी ऐसा है कि ये बंद होने वाला काम नहीं है भाई, पोल्ट्री आदमी जब तक रहेगा, नॉर्मल फूड में आता है चिकन, तो जब तक आदमी रहेगा नॉर्मल कंजप्शन इसका होता ही रहेगा। अगर किसी आदमी को आपसे अपना कोई सवाल जवाब पूछना है, कोई उसे परेशानी आ रही है, तो आप उसकी कैसे सहायता करेंगे? बिल्कुल, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर सकता है, हम जो हमारे बस की है हम अपनी पूरी नॉलेज उसे शेयर करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। सैल्यूट टू फार्मर।